हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, वीडियो शुरू करने से पहले हो जाए एक छोटा सा रिवीजन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो से सीखा कि पत्थरबाजी से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिकों ने पार्टिकल एक्सेलरेटर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को टकराने का मन बना लिया और भारत सरकार ने कश्मीर में हो रही विचित्र वैज्ञानिक गतिविधियों पर बैन लगा दिया, जिसका तर्क भारत सरकार ने ये दिया कि अब से इस तरह के प्रयोग सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेटर में ही किए जाएंगे और अगर किसी ने ऐसा प्रयोग भारतीय सेना के खिलाफ किया तो उसकी छाड़ी को अच्छे से लाल कर दिया जाएगा। चलो चलो, एंटरटेनमेंट बंद, अब सीधा चलते हैं मुद्दे पर। तो हमें ये तो पता चल गया कि जॉन डाल्टन मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी में बनाई गई लेबोरेटरी में अपने प्रयोग करते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मिल गया। चलो फास्ट फॉरवर्ड में दौड़ने के बजाय कहानी को विस्तार से समझते हैं। आओ बताता हूं डाल्टन के दिमाग में चल क्या रहा था। डाल्टन ने एक कंटेनर में गैस भर के उसका प्रेशर नाप लिया और उसके बाद इसी तरह से दूसरे और तीसरे कंटेनर में भी भरी हुई गैस का प्रेशर नाप लिया। फिर तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में मिलाकर उनका इकट्ठा प्रेशर नाप लिया और जोड़कर देखने पर तीनों गैसेस का इकट्ठा प्रेशर अलग अलग गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर आ गया और इस तरह से मिला हमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा अभी दिखाता हूँ। फायदा ये, जो आप पानी में छलांग लगाते हो ना, ये कभी कभी आपके फड़फड़ाते हुए फेफड़ों के लिए अत्यंत पीड़ादायी हो सकती है। नाम अच्छा है, फड़फड़ाते हुए फेफड़े। चलो चलो, नो मोर जोक्स। तो आओ डाल्टन के दिए हुए लॉ को स्कूबा डाइविंग से जोड़ते हैं, पर उससे पहले ये जान लो कि समुद्र तल यानी जमीन पर हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी का 1% बची हुई गैसेस में बटा हुआ है। अब आप पूछोगे ऐसा भेदभाव क्यों? तो भैया ऊपर वाले की माया ऊपर वाला ही जाने। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्यों हुआ, इसके ऊपर साइंटिस्ट लगे हुए हैं अपनी रिसर्च करने में। पता लगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनना बहुत ध्यान से। मान लो ये पॉलिथीन है आपके फेफड़े जिसमें भरी हुई है हवा। अब पहुंच गए हम इसे लेके पानी के नीचे, तो पानी के दबाव के कारण हवा हो जाएगी कंप्रेस और उसका वॉल्यूम जाएगा घट। और ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ गैस का वॉल्यूम कंप्रेस होने की वजह से घट जाता है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आओगे तो प्रेशर जाएगा हट और वॉल्यूम फिर से हो जाएगा नॉर्मल। अब यहाँ एक जरूरी बात को बताना बहुत जरूरी है और इसे याद रखना, ये आगे चल के बहुत काम आएगी। एक फिक्स वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अब जान लो आगे ही कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स के बारे में। पहला है आपके फेफड़े, दूसरा है आपके फेफड़ों में भरी जाने वाली हवा और तीसरा है गहराई में जाने के कारण फेफड़ों पर लगने वाला दबाव यानी प्रेशर। सुनने में सब सही लग रहा होगा, यहाँ क्या गलत हो सकता है? गलत अब होगा सत्यानाश, मतलब समझो लंका लग गई। अब देखो आपके फेफड़ों को आदत है फिक्स वॉल्यूम के हवा की। अब जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पानी में नीचे जाओगे तो पानी के द्वारा आपके शरीर पर पड़ने वाले दबाव के कारण आपके फेफड़ों में गई हुई हवा हो जाएगी कंप्रेस, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जाएगा घट। और क्योंकि फेफड़ों को फिक्स वॉल्यूम की आदत है तो वो वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए सिलेंडर से खींच लेंगे ज्यादा हवा। ना ना, फेफड़े कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन्हें जितनी हवा चाहिए उतना वॉल्यूम वो ले ही लेंगे। उदाहरण के लिए मान लो कि आपने कंप्रेस की हुई 2 लीटर हवा अपने फेफड़ों में भर ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में चली गई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पानी से बाहर आओगे और प्रेशर होगा कम तो ये अलग अलग हिस्सों में घुसी हुई हवा कंप्रेशन से बाहर आने के कारण जाएगी फैल, क्योंकि बाहर आने पर अब आपके शरीर पर पानी का दबाव नहीं है। और क्योंकि आपके शरीर में ऊपर वाले ने ऐसा कोई जुगाड़ फिट नहीं किया कि आप इस फैलती हुई हवा से होने वाली दिक्कत को झेल सको, तो इसलिए यह पता नहीं अब कहां कहां से निकलेगी। अरे मेरा मतलब है सही जगह से तो निकलने वाली नहीं है और यही बनेगा शरीर में होने वाले दुख दर्द का कारण। और इस समस्या को हम बोलते हैं बेंड्स यानी डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो अगर आप इस गैस के द्वारा दिए जा रहे अत्याचार से बचना चाहते हो तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहां विलन है कौन। तो इस कहानी का विलन है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन को तो बॉडी कर लेगी इस्तेमाल, लेकिन प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन जाएगी ब्लड में घुल। अब क्योंकि नाइट्रोजन बस चुपचाप जाकर बैठ गई है तो वो करेगी मौके का इंतजार। कौन से मौके का? बाहर निकलने का। और जैसे ही आप पानी से बाहर आओगे नाइट्रोजन फैल जाएगी, जैसे खिलौनों की दुकान में खिलौना ना दिलाने पे बच्चे फैलते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया जाए? तो इससे बचने के लिए सिलेंडर्स में मिलाई जाती है नाइट्रोजन की जगह हीलियम। हीलियम भी इनर्ट है लेकिन वो
नाइट्रोजन की तरह बाहर आने पर एक साथ फैलने के बजाय जैसे जैसे धीरे धीरे आप पानी से ऊपर आओगे ठीक उसी तरह से वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकलती जाएगी और वो भी बिना किसी दुख दर्द के। चलो एक बार सारी चीजों को दोबारा जोड़ते हैं। डाल्टन ने कहा कि गैसेस के मिक्सचर के द्वारा लगाया गया प्रेशर हर एक गैस के द्वारा लगाए जा रहे प्रेशर के सम के बराबर होता है जिसे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब आप पानी में जितना गहराई में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा तो फेफड़ों में गई हुई हवा का वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घटा तो फेफड़े खींच लेंगे और हवा जिसमें मिली हुई नाइट्रोजन घुस जाएगी आपके ब्लड में और पानी से बाहर आते ही वो करेगी निकलने की कोशिश जिससे होगा आपको डिकम्प्रेशन सिकनेस। तो बचने के लिए सिलेंडर में नाइट्रोजन की जगह मिलाई जाएगी हीलियम। अब देखो यहां डाल्टन के द्वारा दिया गया पार्शियल प्रेशर का चार्ट। इस चार्ट में जमीन पर आपके फेफड़ों में गई हुई हवा में 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन होगी लेकिन जैसे ही आप 10 मीटर की गहराई पे पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ के हो जाएगा 42 और नाइट्रोजन पहुंच जाएगी 158% पर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके फेफड़ों में गई हुई हवा का वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या पहले से दुगनी हो गई है। तो इसी तरह से जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और आज के प्रवचन में बस होगा इतना ही अत्याचार। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो गई? अरे कोई ना, मजे करने के मौके अभी बहुत मिलेंगे। आगे की कहानी में जानेंगे कि किसने उठाया जिम्मा एक एटम को तोड़ने का। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, पानी में नीचे जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन भर के क्यों नहीं ले जाते, क्या जरूरत है हीलियम मिलाने की? और दूसरा, स्कूबा की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, स्कूबा की भी फुल फॉर्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।